हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में। उसका भी नया एप्लीकेशन फॉर्म आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, पोस्ट को क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ इसमें आपको एज से लेके आपका सैलरी तक मैं बताऊंगा उसमें कि सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ बने रहिए। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें सब कुछ वेल डिस्क्राइब करना है और आपको सैलरी तक बताया जाएगा। सो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो आइए देखते हैं। और उससे पहले प्लीज़ आपसे एक अपील है कि अगर आप कहीं भी निकले तो प्लीज़ फेस पे मास्क पहन के कोई भी लापरवाही ना करें। मास्क पूरा पहने, नाक के ऊपर तक पहने और डबल मास्क हो सके तो डबल मास्क पहने अगर N95 नहीं है तो, ठीक है। सो जिससे कारण कि आपको जो भी ये चेन है कोरोना का वो ब्रेक हो सके। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और जो अपने दिमाग से आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है गलत है, जितना हो सके उतना हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। सो ये सब चीज़ें करके हम कोरोना को हरा सकते हैं और हमने पास्ट में ऐसा किया है, सो अभी भी हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ साथ मिलिए, अब एकजुट होने की टाइम है और सब अपने जो ये सब चीज़ें हैं ये नॉर्मली आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं नोटिस के बारे में। देखिए नोटिस तो ऑनलाइन मोड से आपको होगा, अभी के टाइम तक कोई ऑफलाइन काम हो नहीं रहा है तो ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। उसके जूनियर मैनेजर के लिए बुलाया गया है, एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। उसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो 24 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि आज का दिन है शायद, ठीक है। वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है आई थिंक। उसके बाद आप देखिए इसमें लास्ट डेट जो फीस पेमेंट का है वो 23/5/2021 से है और 23:45 पे है। उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव है जून में, ठीक है, जून में जो इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और जून में एवरी थिंग सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो उस समय एग्ज़ाम इसके कंडक्ट कर लिए ही जाएंगे। उसके बाद इसी फॉर्म में आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं भी एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला चीज़ देखते हैं जूनियर मैनेजर के लिए, उसमें देखिए तीन एक सिविल के लिए जो है उसमें 31 वैकेंसी है जिसमें 14 आपका UR के लिए, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और OBC के लिए NCL के लिए 8 है और टोटल EWS के लिए 3 है, टोटल 31 सीटें हैं, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ये बहुत सारे बच्चों को हटा देंगी क्योंकि 60% मार्क्स अगर बैचलर डिग्री में नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे बोला गया है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन एंड BD के लिए उसमें बोला गया यहाँ पे कि टू ईयर का MBA होना चाहिए या PGT BDA होना चाहिए या PGDM होना चाहिए इन मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑपरेशन में, आपका कस्टमर रिलेशन में या फाइनेंस में लमसम 60% मार्क्स आपको चाहिए ही। 77 वैकेंसीज में आप देख सकते हैं UR के लिए 34, SC के लिए 11 और ST के लिए 5 और OBC के लिए 20 और EWS के लिए 7 है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और PWD के लिए PBD के लिए आपका 4 है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको देखिए मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज हैं जो कि पूरा UR के लिए ही हैं, इसमें डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन सब डिग्री को मांगा गया है जिसमें कि 60% आपको चाहिए। उसके बाद ये देखिए उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव थी, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको जो स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 का है, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि सैलरी जो जिस लड़के का जॉब कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है वो क्या मिल रही है उसमें दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो इस देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 73 सीटें हैं जिसमें 32 जो हैं UR के लिए हैं, 11 आपका SC के लिए, ST के लिए 8 और OBC के लिए 16 और EWS के लिए 6। और इसमें बोला गया है 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी और सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में भी, ठीक है। इसमें आपको 60% मार्क्स इसमें भी चाहिए, इसमें जितने भी पोस्ट हैं उसमें 60% मार्क्स एक कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे बच्चे जिनके कम हैं वो हट जाएंगे और जितने भी बच्चे हैं जिनके 60% अबव हैं वो आ जाएंगे इसमें, फ़िल्टर आउट पहले ही कर दिया है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 42 सीटें हैं, उसके बाद आपको देख सकते हैं उसमें 16 UR के लिए, SC के लिए 6 और ST के लिए 4 और 12 OBC के लिए और EWS के लिए 4 हैं, जो कि आपको 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सप्लाई में या इलेक्ट्रिकल में या
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका हो सकता है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड ट्रांसिट टेलीकम्युनिकेशन में है, तो उसमें आपका 87 सीटें हैं, जिसमें कि यूआर के लिए 32 और एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और पीबीडब्ल्यू के लिए है आपका 8 है जो एक्स सर्विसमैन के लिए 11 है टोटल। उसके बाद आप देखिए एग्जीक्यूटिव के लिए ऑपरेशन एंड बीडी के लिए हैं जो, उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है नॉट लेस देन 60% मार्क्स, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये आप कोई भी नॉर्मल बंदा जो आपका नॉन टेक है वो कर सकता है, ठीक है, जो टेक्निकल डिग्री नहीं है उसके पास वो कर सकता है, ये भर सकता है। उसमें यूआर के लिए 96 है, एससी के लिए 36 है और एसटी के लिए 16 और ओबीसी के लिए 65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है। इसका कटअप बहुत ही हाई जाता है, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से भरिएगा। सो आप देखिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए है, डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। यूआर के लिए 3 सीटें हैं, तीनों सीटें उसी के लिए डिजर्व हैं और बीडब्ल्यू के लिए, बीडी के लिए आपका 1 सीटें जो है वो रिजर्व हैं। उसके हम देखते हैं कि इसमें देखिए कैंडिडेट का बोला गया है जो जो आपका 60% बोला गया है वो आपका मार्क है, उससे अगर कम होता है तो प्लीज़ इस फॉर्म को मत भरिए वरना फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे बोला गया है जूनियर मैनेजर के लिए बोला गया है ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, तो पोस्ट मस्ट बी स्पेशलाइज मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन और कस्टमर रिलेशन एंड फाइनेंस, ये क्लियर कर दिया गया है। बाद में आप इसमें ऐसा कुछ भी मिसिंग हो तो आप प्लीज़ मत भरिएगा वरना कोर्ट केस होगा और इसमें बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, तो ये प्लीज़ आप इसको समझिएगा। उसके बाद आपका बोला गया कैंडिडेट शुड फुलफिल द डिग्री और ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक आईटीआई अप्रूवल बाय यूजीसी ऑब्लिक एआईसीटीसी से फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्लिक टेक्निकल बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। आपका वो बता दिया गया है कि आपको इस समय आपका जो बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए यूजीसी या एआईसीटीसी से आपकी डिग्री अप्रूव होनी चाहिए, वैसे कॉलेजेस से आपको पास आउट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट हैविंग कम्प्लीटेड 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर इंटीग्रेट मतलब एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी करते हैं, मास्टर्स भी कर रखे होते हैं, तो MBA आफ्टर 10+2, ठीक है, इज रिक्वेस्टिंग स्पेशलाइजेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई पोस्ट वेयर MBA इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपने MBA तक कर रखा है इंटीग्रेटेड कोर्स में 10+2 के बाद, ठीक है, तो आप उसमें MBA में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, यानी BBA और फिर MBA आपने रखा हो 12th के बाद, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताया गया है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। उसके बाद आप देखिए एज लिमिट जो बोला गया है जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 बोला गया है और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 बोली गई है, ठीक है, तो ये आप पता होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बार बार डाउट आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब डेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो देखिए आपका सब कुछ के बारे में यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे एससी एसटी के लिए बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टिव के हिसाब से जो कि आपका एनएक्सीआर दे रखा है JA, वहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि सबमिट जब आप करिएगा, यहाँ पे लिखा है बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी सेल हैव सबमिट द अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीमेंट अथॉरिटी एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वहाँ पे कॉपी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा DV के टाइम पे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए OBC के लिए ऐसा ही है जो आपका 21-22 वाला होना चाहिए, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का बोला गया है, ठीक है, तो 21-22 का नहीं, अभी जो चल रहा है यानी मार्च के बाद अपना सेशन चेंज हो जाता है यानी वो 21-22 में आ जाता है, तो प्लीज़ उस समय का ही बनवा के रखिएगा वरना आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेंट। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो कि आपको बताया गया है EWS के लिए, EWS का भी बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्लोज यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर बोला गया है रिक्रूटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर प्रायर 21-22 क्लोजिंग डेट ऑफ 23-3-2021 यानी 23-5-2021 के पहले का होना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये, यानी 20-21 का होना चाहिए, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि 20-21 कब होता है क्या होता है, ठीक है, 20-21 का होता है जब आप बनाइएगा, मार्च में बनवाए होंगे, अगर मार्च में नहीं तो आप अप्रैल में भी बनाते तो अप्रैल में भी वो 21-22 का बनेगा, ठीक है, क्योंकि मार्च के बाद आपका चेंज हो जाता है आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें कुछ ऐसा कुछ
दिया वो नहीं है, लेकिन आपका जो होना चाहिए मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि आपको पता है, तहसीलदार, और ये सब चीज़ें ये लोगों द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसका देखिए किन पोस्टों के लिए 2 एग्ज़ाम है, किन पोस्टों के लिए 3 एग्ज़ाम है। तो यहाँ देखिए पहले ही बोला गया है जूनियर, जो जूनियर मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर जितने भी 3 पोस्ट बोली गई हैं इनके, आप देखिए यहाँ पे इंटरव्यू भी है, कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू भी, यहाँ CBT होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके के लिए देखिए, उनमें आपका मतलब एक जो ऑपरेशनल और हेड, जिसमें कि जनरल आपको डिग्री मांगी गई है, वहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे CBT होगा और यह होगा साइको टेस्ट भी होगा एक तरह से, ठीक है। और उसका डॉक्यूमेंट रेगुलेशन तो कॉमन है, उसका मेडिकल टेस्ट तो सब में होना ही है, तो ठीक है, एक ये हो गया है। और जिसमें आपका सिर्फ 2 एग्ज़ाम ही हैं, मतलब एक ही एग्ज़ाम है, वो है आपका एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसका DV है, उसका मेडिकल टेस्ट है, ना कि इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं है उसमें। उसके बाद आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में अगर देखिएगा तो उसमें भी आपका एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव में जितने भी पोस्ट हैं उसमें एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, सिर्फ CBT, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए CBT में बताया गया है कि आपका 2-3 सेक्शंस होंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा इसमें, ठीक है, 2 या 3 सेशन में उसको कंप्लीट किया जाएंगे, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी आएगा ही, अगर आप बढ़ते हैं, अगर जो भी सेक्शन बढ़ते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है, यानी 4 आपके सेक्शन हो सकते हैं उसमें, 120 क्वेश्चन होंगे। और आपको जो बताया गया है कि आपका जो ये नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, आपको क्लियरली कर दिया गया है कि 1/4 यानी 0.25 मार्क्स होंगे जो कि नेगेटिव वे होंगे। उसके बाद आपको जनरल के लिए 40% मार्क्स चाहिए, SC ST OBC के लिए आपको 30% मार्क्स, EWS के लिए 30%, और जो आपका ST है उसके लिए 25% मार्क्स आपको चाहिए ही। उसके बाद बोला गया है कि CBT टेस्ट जो बोला गया है रिक्वायर्ड कैन है 2 स्टेज, ठीक है, वो जो आपका स्टेज है दूसरा स्टेज वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, जो कि मैंने बता दिया गया है कि जो आपका नेक्स्ट CBBT है जो वो एक ही पोस्ट के लिए, जो कि आपको जनरल पोस्ट है जिसमें कि आप नॉन टेक्निकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सब पोस्टों के लिए या तो इंटरव्यू है या तो एक ही स्टेज है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। बोला गया है जो आप देखिए जो जनरल लोग अप्लाई कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, चाहे CBAT है जो, इसके लिए आपको बोला गया है कि उसमें बोला गया है, देखिए आप यहाँ पे कि आपका जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, TA स्कोर आपका 42 होना चाहिए, ठीक है, यानी साइको टेस्ट ही है एक तरह से, ठीक है, जो रेलवे का साइको टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही है, या तो आपका मेट्रो का साइको टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही है ये, ठीक है, आपको क्वालिफाइंग करना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्कोर करना है, ये कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ये भी साइट पे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ पे DV कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा जो जूनियर मैनेजर लेवल का है उसमें बोला जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है जूनियर मैनेजर के लिए कैंडिडेट 3 टाइम्स लिया जाएगा, याद रखिएगा 3 गुना लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो वैकेंसीज हैं उससे, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी होगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद इंटरव्यू के बाद, ठीक है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें वेटेज होगा, रिटेन का जो CBT का वेटेज 85 होगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज होगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि जो मेडिकल टेस्ट है आपका स्टैंडर्ड बता दिया गया है, आपका प्रिस्क्राइब जो स्टैंडर्ड बोला गया है वो भी सिविल सर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए उनका पोस्ट, वही लेंगे वहाँ पे जो भी आपका मेडिकल टेस्ट है वो। और सेंटर बोला गया, सेंटर में एक और चीज़ बोला गया, अगर एप्लीकेंट कम होते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में सेंटर जो होगा सिर्फ दिल्ली NCR होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रख के तब फॉर्म डालिएगा। उसके बाद आप देखिए एप्लीकेशन फी जो बताया गया 1000 है, ठीक है, जूनियर